रास्ते में हो रहा है शौचालय का निर्माण, वार्डवासी परेशान, नगरपालिका अध्यक्ष बोली हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 में रास्ते पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहां के रहवासी परेशान हैं। यहां के लोगों ने इस अवैध अतिक्रमण की शिकायत नगरपालिका से लेकर सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है। बावजूद इसके यह अवैध अतिक्रमण अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस अवैध अतिक्रमण को लेकर कभी भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है, उसके बाद भी नगरपालिका प्रशासन इस सब से बेखबर बना हुआ है। हालांकि मामला नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के संज्ञान में आने पर उन्होंने इस अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाने की बात कही है। देखिए शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपेश खड़ी। अच्छा, ये वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 29। क्या कुछ परेशानी है आपको? ये परेशानी जे अतिक्रमण है 20 रास्ते में, इसमें जो जगह सी जगह गली है छोटी सी, अब इसमें देखो अब कितनी जगह है, इसमें कितना स्पेस है, जिसमें दिक्कत है और कुछ प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं हम लोग, हमको ये दिक्कत है। बच्चे क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं जी हटे अतिक्रमण हटे बस, जे उनकी जगह पर नहीं, अतिक्रमण की जगह, अतिक्रमण की जगह, अतिक्रमण है, उनकी जगह नहीं है जी, उनकी जगह नहीं है। बहुत आगे बन गई बात, बाथरूम बनाई मतलब कैसे बनाई गई है? उनने डायरेक्ट हम शादी में गए थे, शिक्षक ने डायरेक्ट बना लिया। आपने कहीं शिकायत मुकायत नहीं दर्ज कराई? गायत्री शर्मा को करी है, नगर पालिका में करी है, मगर वो चल रही है कि नहीं, आज आ रहा है कल आ रहा है, जो चल रहा है उनका। हाँ, 181 लगा चुकी है हमने, बस जो करते हैं तो टीके लाभ संजय फिर हमारे हाथ से हटाएंगे, हम चाहे लड़ाई हो जाए चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ से तोड़ेंगे हम। क्या चाहते हो आप? हम जो अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सरकार नगर पालिका से ही कर रहे हैं, सीएमओ से कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कार्रवाई करें नहीं है तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारे हाथ से हटाएंगे हम, टोड़ पोड़ी करेंगे हम तो, जे बस चाहे लड़ाई हो चाहे मूल पड़ जाए कुछ भी, लास्ट ऑप्शन यही है। चलो 29 में एक अतिक्रमण हो रहा है, इसमें यार आपका कुछ पूरा कहना है? अरे वार्ड नंबर 29 में इन्होंने बताया भैयाओं ने, 4-5 लोग आए थे जी, कोई व्यक्ति है साथ, उनने रोड पे लेटरिन बना रहे हैं, पहले जो ठेले रखी रहती है चल रखी रहे, अब रोड पे अतिक्रमण बना रहे हैं तो पीछे वालों को तो काफी असुविधा होगी ना भाई, समस्या क्या है? नगर पालिका में कोई सिस्टम तो काम कर नहीं दिया, कोई विजन है नहीं है, सब जगह एक संस्था में अतिक्रमण अधिकारी होता है, सब इंजीनियर होता है, एक टीम होती है, जाके देखे यदि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐसी जगह है वेस्टेज जगह है, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो वहाँ पर कोई कुछ उपयोग कर सकता है, लेकिन बीच गली में ही कोई लेट्रिन बना है तो सामने वाले 4-5 परिवारों को बहुत असुविधा हो रही है, और कोई भी देखेगा प्रथम दृष्टिया साफ दिखाई देता है कि ना गली में अतिक्रमण कर जाए, उनको आने जाने में कई परेशानी होगी, नगर पालिका को शीघ्र ठोस कदम उठाना चाहिए और अतिक्रमण उठाना चाहिए। वार्ड क्रमांक 29 का रहवासी का जी कहना है कि हम नगर पालिका को अवगत करा चुके हैं, कलेक्टर साहब को अवगत करा चुके हैं और उसके बाद सीएम हेल्पलाइन भी लगा चुके हैं। अब जी नगर पालिका का काम है, कलेक्टर साहब का काम नहीं है कि वो अतिक्रमण उठाए आके नहीं गली में से, कि कलेक्टर कोई हमला भेजे कि मुख्यमंत्री जी भेजे, नगर पालिका का छोटा सा काम है, नगर पालिका इसलिए निर्वाचित पर्षद है, इसलिए अधिक अधिकारी है, 4 इंजीनियर है, सब इंजीनियर है, सहायक यंत्री है, कार्यपालन यंत्री है, सब इनके काम है, जाओ देखो मौके पर तुरंत हटाइए, क्या कोई पार्टी मत बोलती हो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, यदि कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब इनका अतिक्रमण कोई भी देखेगा जाके वो कहेगा कि जी गली में ही लेटरिन बना रहे हैं, और फिर वो इधर उधर से कोई भी फोन कर, फोन तो सभी करा देते हैं ना शहर में, सबके सबसे संबंध होते हैं, हम लोगों को भी मुझे भी अगर कोई मैं अपनी बात कहूँ किसी के पेपर में तो यह तो जानकारी लूँ मैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और लैटरिन जो बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है, उसको वहां से नगर पालिका प्रशासन को शीघ्र हटाना चाहिए, नहीं तो अप्रिय स्थिति निर्मित होगी, कभी इनमें विवाद होगा, पूर्व में भी पुलिस केस इनके लोगों के चल रहे हैं, और फिर वह अप्रिय स्थिति निर्मित होगी, विवाद की स्थिति निर्मित होगी, तो जो भी उचित है वो साफ दिख रहा है, फोटोग्राफ में कोई भी देख के बता सकता है, मैं भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिख के कहूंगा कि जो अतिक्रमण हटाया जाए। 29 में अतिक्रमण हो गया, इसमें आपका क्या कुछ पूरा कहना है? भैया मेरे पास अभी इनका एक लेटर आया था, मैंने सीएमओ की तरफ उसको तत्काल मार्क कर दिया था, और शायद वहाँ अतिक्रमण तोड़ने के लिए लोग गए भी थे, मुझे ऐसा पता है, लेकिन क्यों नहीं तोड़ के आए ये मुझे वापस आके किसी ने नहीं बताया, आज आपसे मुझे पता चल रहा है कि वो अतिक्रमण नहीं हटाया, और अभी इस तरह के शहर में सड़कों पे कई जगह, गलियों में, नालियों में, कई जगह सड़कों पे अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने, और मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जहाँ सार्वजनिक जगह है, निकलने की रास्ता है या नाली बनी हुई है, उन पे से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए।